नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं पहले भी कई बार शोज़ में कह चुका हूं कि इंदौर का बाशिंदा देश के अलग अलग हिस्सों में और विदेशों में भी अपना नाम कमा रहा है। मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही बाशिंदे अभय जोधपुरकर हमारे साथ मौजूद हैं, जो AR रहमान तक पहुँच चुके हैं, उनके प्रिय शिष्य हैं और कई सारे उनके पास उनसे कई सारी खासियत उनके साथ है, उनसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल अभय, स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम। नमस्ते। सेंधवा जी, सेंधवा। सेंधवा से फिर मुंबई, और मुंबई से फिर यार मैं एक्चुअली मुंबई नहीं गया, पहले मैं चेन्नई गया था, चेन्नई गया बीटेक करने के लिए, और तभी उनका म्यूजिक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था पार्टशाइन जी। तो कव्वाली का एक ग्रुप बना था जो जिसमें मैंने कुछ चंद लाइनें गई थी कॉन्सर्ट में, और तभी रहमान सर ने मुझे, मेरी आवाज़ सुनते से उन्होंने मेरे को ब्रेक दे दिया एक तमिल मूवी के लिए, मणिरत्नम जी की। तो तभी से मेरी म्यूजिकल जर्नी प्रोफेशनली शुरू हुई। बाकी उससे पहले सिर्फ मैं शौक के लिए गाता था, पर उस गाने ने मेरी लाइफ को एक बोलते हैं ना, जो यू टर्न दे दिया। तो वही उसी के बाद से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई, और फिर चेन्नई से अब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ। तो वो सुनना चाहेंगे जिसने आपकी जिंदगी को टर्न कर दिया उस लाइन जी? बिल्कुल, वो लाइन एक कव्वाली की लाइन थी, जोक राग में ये। ख्वाजा प्यारे तुम्हारे रोजे पर नूर ही नूर हमने देखा है। बस एक ही लाइन मिली थी मुझे ग्रुप में गाने के लिए, और ये सुन के सर ने मुझे, ख्वाजा की बात तो बिल्कुल ठीक है, आपके चेहरे पर भी नूर देखने में आ रहा है कि गायकी में भी वही नूर बसा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लगता है, जो ब्रेक आपको बीटेक करने गए थे, बीटेक के बाद करते करते आप संगीत इंस्टीट्यूट में चले गए, वहाँ से एक अच्छा ब्रेक गया रहमान साहब के साथ जी, आपको जी। क्या कहते हो इसको लेकर, क्या कहना चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आई थिंक डेस्टिनी में विश्वास रखता हूँ मैं, कि जो कुछ भी होने वाला है वो लिखा हुआ है अपने को, हमको अपना बस कर्तव्य पूरा करना है, और मतलब ईश्वर हमें वहाँ ले ही जाता है जहाँ हम बिलोंग करते हैं। तो म्यूज़िक में हमेशा से जो मेरा मतलब पैशन रहा है, वो चेन्नई जाके मैंने मतलब काफ़ी मेहनत की उनकी स्कूल में, और वो मेहनत फाइनली रंग लाई। तो रहमान सर ने जब सुना मुझे तो मौका दिया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा बस काम ये है कि अपना पैशन को फॉलो करें और मेहनत करें, बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप में हुनर है, आप में कुछ करने का मादा है, टैलेंट है, तो सिर्फ एक लाइन गाकर भी या एक छोटे से काम से भी आप उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, पॉसिबिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं कि कहीं भी कोई भी आपको सुन सकता है। आजकल तो यूट्यूब पे भी इतने वीडियोस, लोग इतने टैलेंट हैं, सब अपलोड कर रहे हैं, तो बहुत आसान हो गया है अब। तो बस यही कहूँगा मैं कि अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसको बरकरार रखें, और किसी की कॉपी, किसी को कॉपी ना करें। इसलिए मैं अनप्लग के बारे में भी जो कहना चाहूँगा कि जो अनप्लग का हमारा जो शो इंदौर में प्लान कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग मतलब ओरिजिनल से हट के थोड़ी कॉर्ड्स चेंज करना और अपने तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश है, तो होपफुली लोगों को पसंद आए। क्या लगता है, जैसा आपने कहा कम उम्र में आप एक टेक्निकल डिग्री लेने वहाँ गए, उसके बाद आपकी एक लाइन ने आपकी ज़िंदगी बदल कर रख दी जी, तो युवाओं को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसा पॉजिटिव बात कर रहे हैं कि अगर आप कुछ करने की क्षमता है तो उसके लिए फिर रास्ते खुले हैं। जी बिल्कुल, मेरा तो मतलब चेन्नई जाने का मैं सोच के भी नहीं गया था कि म्यूज़िक में कुछ हो पाएगा, बट बीटेक करने के मतलब उद्देश्य से गया मैं, और फिर वहाँ पे काफ़ी जरिए मिले जिनके थ्रू मेरे को अगेन मतलब म्यूज़िक का कि मतलब इतनी बड़ी सी में मतलब गोता एक बार और मारने का मौका मिला। और साउथ के म्यूज़िक ने एक्चुअली मैं मुझे मेरा पर्सपेक्टिव जो है मतलब जो दृष्टिकोण है म्यूज़िक के प्रति वो बदला, तो काफ़ी विजन मेरा बेटर हुआ। और उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ मतलब शायद मेरे को ऐसा लग रहा है कि म्यूज़िक में मुझे ज़्यादा रुचि है। तो आपको अपनी दिल की सुनना चाहिए हमेशा, और जिस डायरेक्शन में आपका मन कर रहा है जाने का या मेहनत करने का, जो भी कुछ करने का, आपको उसी फील्ड में कोशिश करनी चाहिए कि आपका ना हो जाए। लकीली मुझे ब्रेक मिल गया, बट मैं चाहता था कि एक सेफ डिग्री हो, बैकअप हो, इसी उद्देश्य से मैंने सोचा। माता पिता ने तो एक्चुअली मुझे बचपन से बोल के रखा था कि तू आर्ट्स में कर, पुणे जा और म्यूज़िक सीख, लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं, मेरे को एक डिग्री चाहिए, उसके बाद ही मैं म्यूज़िक में घुसूंगा। बट वो कहते हैं ना, जो आपको आपके किस्मत में लिखा है, जो आपका जो रास्ता है वो तय है, तो वो सही टाइम पे बस हो गया और मैं आज यहाँ हूँ आपके सामने। आपने कहा जो दिल कहे वो करना चाहिए। जी बिल्कुल, लेकिन माता पिता के दिल ने जो कहा वो आपने माना उसको बाद में? जी बिल्कुल, माता पिता की
के लिए ही मैंने जो कुछ भी मतलब आज जो भी हूँ मैं उनकी वजह से ही हूँ, तो उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं से सीखा भी है मैंने म्यूज़िक, और दादाजी से स्पेशली, जो कि मतलब मेरी सेंधवा में स्कूल में प्रिंसिपल हैं और उनसे मैंने प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं से ली थी, तो उन्हीं का आशीर्वाद है। और मैं यही मानता हूँ कि आप मतलब अपनों का आदर करें और उनकी उनकी ब्लेसिंग्स बहुत मायने रखती हैं, इसलिए उनकी मर्जी के खिलाफ ना जाएं और खुद को भी खुश रखें और उनको भी खुश रखें। और टेक्निकल डिग्री आपकी बीटेक की पूरी हो गई या नहीं? जी बिल्कुल पूरी हो गई। अब आप मुंबई शिफ्ट हो चुके हो जी, तो क्या फर्दर प्लान्स के मेरे साउथ की मूवीज में भी आपने कुछ काम किया? हाँ, साउथ में मैंने काफी काम किया एक्चुअली, 4 साल में करीबन 100 से ज्यादा मूवीज के लिए गा चुका हूँ, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा और मराठी मूवीज में, और अब हिंदी में कुछ गाने रिलीज होने वाले हैं, तो बस वो इसी का वेट कर रहा हूँ। साउथ की किसी एक मूवी का आपका पसंदीदा गीत सुनाइए। जी बिल्कुल, मैं मेरा ही गाना सुनाता हूँ, इनफैक्ट भीमपला सी राग में है ये। வெண்மீன் விடல் நிலவாய் முளைத்தேன், பெண்மீன் விடில் எனே தொலைத்தேன், மழையின் இசை கேட்டு மலரே தலையாட்டு, மழலை மொழி போல மனதில் ஒரு பாட்டு, இனி நீயும் நானும் ஒன்றாய் சேர்ந்து காதல் இரண்டு எழுத்து, வெண்மீன் விதையில் நிலவாய் முளைத்தேன், பெண்மீன் விடில் எனே தொலைத்தேன். खूब बढ़िया है, इसका मतलब भी जरूर बताइए। इसका मतलब यह है कि यूजुअल रोमांटिक सॉन्ग है और दो लोग अपने प्रेम में मतलब उनका शुरुआत हुई है रिलेशनशिप, और वो बस कोशिश कर रहे हैं कि टाइम स्पेंड कर सकें एक दूसरे के साथ, और हालात तो काफ़ी वैसे है नहीं कि यू नो मिल सके, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं और उनकी कैपेसिटी में जितना हो सकता है एक दूसरे के लिए वो टाइम डेडिकेट कर रहे हैं, और अच्छी शुरुआत है बस। लैंग्वेज कमांड कैसे आया? जब मैं चेन्नई गया था तब जब बीटेक कर रहा था तब मैंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा ये सब लैंग्वेजेस के गाने सुनना शुरू किए, तो सुन सुन के आई थिंक वो मेरे कहीं रजिस्टर हुआ, जहन में बैठ गया कि ये वर्ड्स हैं, पर एक्चुअली जब मैं गाने गया वो सब गाने तब बहुत मतलब चैलेंजिंग था मेरे लिए, कि क्योंकि लैंग्वेज का हर एक लैंग्वेज का एक डिक्शन होता है, एक उसकी स्पेसिफिक रूह होती है ना जिसको आपको पकड़ना होता है, तो उसमें थोड़ी मेहनत लगी बस, बाकी धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ में अब आदतें हो आदत हो गई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ अब आते हैं, मुंबई में आकर अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहे हो जी, वहाँ का रेस्पॉन्स कैसा है और इस समय क्या कर रहे हो? हिंदी इंडस्ट्री के लोग वैसे काफ़ी सभी लोग जानते हैं मुझे, और क्योंकि रहमान सर के साथ काम कर लेने के बाद एक तरह से आपके गेटवेज खुल ही जाते हैं और हर कोई सुनता है उनका म्यूज़िक, तो मेरा जो तमिल गाना भी है वो सभी ने सुना हुआ है, बस अब सही मौके की देर है और सही टाइम का वेट कर रहा हूँ मैं कि एक अच्छा सा हिंदी गाना ब्रेक भी आ जाए मेरा, तो चल रहा है काम, रिकॉर्डिंग्स होती रहती हैं पर कुछ कहते नहीं आता क्योंकि कभी कभी फाइनलाइज नहीं हो पाती आवाज़, कोई दूसरे से बड़े सिंगर रिप्लेस कर देते हैं आवाज़, तो देखिए अब जब भी ईश्वर की इच्छा होगी तब रिलीज होगा गाना। आपने कहा ए आर रहमान साहब की वजह से ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि आपकी गायकी में कितना दम है। हाँ मतलब जानते हैं उसको, रिकॉग्नाइज करते हैं जी। क्या लगा मुंबई में भी एक गॉडफादर होना जरूरी है इस इंडस्ट्री में? गॉडफादर तो नहीं, बट मैं बस ये एक बात कहना चाहता हूँ कि मुंबई और मतलब बॉलीवुड जो इंडस्ट्री है वो आजकल बहुत ज़्यादा कमर्शियलाइज हो गई है और सिर्फ पैसे की बात होती है, म्यूज़िक लेबल्स और डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स ये लोग मतलब म्यूज़िकल डिसीजंस लेते हैं जो कि सही नहीं है, तो आई थिंक म्यूज़िक डायरेक्टर्स को और ज़्यादा मतलब अपना जो उनका उत्तरदायित्व या उनका जो मतलब उनको उनका जो निर्णय करने का वो जो है उसको बढ़ाना चाहिए उनको, क्योंकि मतलब यदि म्यूज़िकली आप मतलब यदि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है या उसमें आप म्यूज़िकली आपने मेहनत नहीं डाली तो उसमें वो रूह नहीं होगी, इसलिए जो पुराने गाने हम जो सुनते हैं वो आज भी हमें इतने अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि उनमें मतलब म्यूज़िकलिटी है, उसमें एक सोल है, उसमें बहुत मेहनत डाली गई, बहुत टैलेंट है और उसको सिर्फ म्यूज़िक के प्यार के लिए बनाया गया था, और आजकल बस यूट्यूब पे मिलियंस व्यूज टारगेट करने की कोशिश की जाती है, विच इज़ जो मेरे को गलत लगता है, मतलब उसके लिए आप मत म्यूज़िक बनाइए, आप म्यूज़िक के मतलब डेडिकेशन के लिए बनाइए, तो बस वैसे बॉलीवुड में काफ़ी अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, अजय अतुल, अमित त्रिवेदी, विशाल शेखरी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और आई होप कि हमको मतलब बहुत सख्त ज़रूरत है कि एक रिवोल्यूशन फिर से आए बॉलीवुड में, मतलब जैसे जो पुराना म्यूज़िक था आर डी बर्मन सर का और
लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी इन लोगों के जो गाने जो आज भी हम गुनगुनाते हैं, वैसा वापस टाइम आई थिंक आएगा और लाएगा, कोई ना कोई आएगा। फिलहाल तो आप एक अपना पसंदीदा पुराना गीत सुनाइए। जी बिल्कुल। अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के, दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। क्या बात है, हमारा भी मन नहीं कर रहा है, मुझे लगता है आपका भी मन नहीं कर रहा होगा इतना अच्छा गाना सुनने के बाद कि अब आए हमें छोड़ कर जाएं। फिर बहरहाल ये रिहर्सल में व्यस्त हैं, कल इनका शो इंदौर में होने वाला है, बहुत सारे लोग दर्शक वहाँ पर श्रोता इंतजार करेंगे इसका, तो इन्हें हमको रिहर्सल में जाने की अनुमति देना पड़ेगी। आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, सुनील जोशी को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।